जय गुरुदेव। मैं इस गर्भ संस्कार से मतलब 3 महीने हो चुके थे मेरी, मतलब मुझे कैरी हुआ था। उसके बाद मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे, तब मुझे पता चला कि मैं मतलब काफी दिनों के बाद में मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी रुकी थी। मेरे काफी मिसकैरेज हुए, उसके बाद में मुझे ये रुका था। तो उसके बाद में भी और कॉम्प्लिकेशंस आए। फिर मुझे माधुरी ताई मिली। माधुरी ताई ने मुझे एक ये सेशन के बारे में बताया, गायत्री परिवार का, कि अटेंड करो, इसमें काफी फायदा होता है, ऐसा करके। तो मैंने ये अटेंड किया। उसके बाद में जैसे जैसे मैं पहला सेशन किया, दूसरा सेशन किया, उसके बाद मुझे ये इतना अच्छा लगने लगा, तो मैं ये रोज रेगुलर मतलब 4 बजने का वेट करती थी कि कब 4 बजे और मैं ये अटेंड करूँ। उसके बाद मैं इसमें मैंने ये सब सीखा कि कैसे फेस विजन करते हैं, बच्चे से कैसे बातें करते हैं, जो अपने मन की बातें वो बच्चों को कैसे पहुंचाई जाए। और जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे मैं करती थी। जैसे बताया गया था कि उषा पान करना है, तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, उषा पान करती थी, उसके बाद में 1 घंटा वॉक करती थी, और वॉक करते करते अपने बेबी से बातें करती थी कि गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, तुम सुंदर सी एक बेटी हो और तुम्हें एक भाई है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अब बेटी के रूप में गायत्री माता की परछाई बनकर आओ। और जैसे जैसे मैं चाहती थी कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना, मम्मी पापा को खुश रखना, सबका सबका कहा मानना, और बड़ों बड़ों से हर किसी से अच्छे से व्यवहार करना, मतलब जो जो मैं चाहती हूँ अपनी बेटी में, वो सब कुछ मैं उससे बातें किया करती थी। और इवन मैं भी बोल भी रही हूँ तो बहुत अच्छे से सुन के स्माइल कर रही है, तो मैं ये सारी बातें उससे करती थी। और जब वो बाहर आई और मैं उसके साथ में ये सारी बातें करती हूँ, तो अभी भी वो स्माइल करती है। सिर्फ वो 2.5 महीने की है वो, लेकिन फिर भी उसको नजर आ चुकी है, वो इधर उधर देखती है किसी के बुलाने पर, और मतलब तो बहुत जल्दी, और आज सुबह से तो ये रोल भी करने लगी, मतलब खुद से पलटने लगी है। काफी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जैसे मैं मुझे एक बेटा है, बेटा ज्यादा मतलब मैंने बेटे में और इसमें नोटिस किया है कि इसमें काफी इतने जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होने लगे जितने जल्दी बेटे में नहीं होते थे। और मैंने जैसे मैं सुबह उठती थी, उषा पान वगैरह करके 1 घंटा वॉक करती थी, बेटी से बातें किया करती थी, उसके बाद में नहाकर ब्रेकफास्ट के लिए 1 गिलास दूध, एक एप्पल, थोड़े से ड्राई फ्रूट, जैसे बताया गया था, जैसे जैसे दीदी बताते थे वैसे वैसे मैं फॉलो करती थी। उसके बाद में दोपहर का लंच दाल रोटी भाजी और सैलेड वगैरह, फिर शाम को थोड़ा सा लाउड मतलब हल्का सा स्लो म्यूजिक सुनना, किचन में काम करते वक्त गायत्री मंत्र लगाना, गायत्री मंत्र की धुन कानों तक पहुंचनी चाहिए, और मतलब वो मैं सुनती भी थी और गुनगुनाती भी थी ताकि बच्चे को वो चीज सुनने को मिले। और उसके बाद मैं रात में थोड़ा सा ध्यान करती थी सोने से पहले, ध्यान करती थी सोने से पहले, और गायत्री मंत्र का एक माला पूरी जाप करती थी और फिर सो जाती थी। इस तरह से मेरी दिन की पूरी दिनचर्या होती थी। और जैसे बताया था दीदी ने कि एक चार्ट बनाना है, और उस चार्ट में सन मतलब सूर्य बनाना है, और सूर्य में लिखना है जो तुम्हें चाहिए, उसके बाद में उस सूर्य की रेंज बनानी थी, और रेंज बनाने में उसमें लिखना था कि तुम कैसे कैसे मतलब गुण चाहते हो अपने बच्चे में, उस तरह के गुण उसमें लिखने थे। तो मैंने वो सब कुछ किया, तो वो सब कुछ मैंने किया, और मैं मतलब वो सारी चीजों का फर्क अपनी बच्ची में देख सकती हूँ। जैसे जैसे मैंने किया है उस तरह से बिल्कुल है मेरी बेटी। मुझे एक बेटा है तो मैं चाहती थी दिल से कि मुझे बेटी ही हो। मैंने 4थे महीने में ये गर्भ संस्कार अटेंड किया, और उसके बाद से आखिरी महीने तक मैंने पूरा ये अटेंड किया, तो मुझे काफी कुछ अच्छा लगा इस गर्भ संस्कार में। मैं सुबह उठकर, जैसे सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठती थी, तो कभी कभी सुबह मतलब दिन हो जाता था और कभी कभी अंधेरा रहता था, तो जैसे अंधेरा होता था तो भी मैं घूमती थी, तो बाहर यही अभी सूर्य निकलने का है बेटा, सूर्य की रोशनी अभी आई नहीं है, फिर भी धीरे धीरे पंछियों की चहचहाने की आवाज आ रही है, या कभी दिन निकल जाता था तो हाँ आज बहुत अच्छी सुबह है, हरे हरे पेड़ है, हरे हरे झाड़ है, उसके बाद पक्षी बैठे हुए हैं गैलरी पे, उसकी आवाजें आ रही है, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ मुझे भी आ रही है, ये देखो इस पर तोता बैठ के चिल्ला रहा है ऐसे मतलब। और जिस दिन बारिश होती थी उस दिन, बेटा आज बारिश हो रही है, आज मौसम थोड़ा सा खराब है, और मम्मा को ठंड भी लग रही है, आपको तो ठंड नहीं लग रही है ना? ठीक है इस मतलब इस तरह से बातें करती थी मैं कि वो मेरे साथ है, मैं और वो
टोटली 1 घंटा हम लोग बिंदास रहकर आराम से बातें किया घर पे। फिर उसके बाद में जैसे वही ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता था, मेरी बेटी की स्कूल सुबह की रहती है 7 बजे, तो मुझे उसका ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ता था। तो चलो बेटा आप 6 बज चुके हैं, अब मुझे आपके भैया का टिफिन रेडी करना है, भैया को उठाना है, अब आप थोड़ा सा आराम करो, आपको मम्मा ने 5 बजे उठा दिए थे ना, आप थोड़ा देर सो जाओ, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट रेडी होगा, फिर मम्मा और आप बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे, दूध पियेंगे, तब तक भैया पापा का लंच रेडी होता है, तब तक के हम दोनों ही बैठेंगे। मतलब मैं काम भी करती थी तो भी बातें करती थी, और जब भी अकेली हूँ कुछ भी हूँ तो गायत्री मंत्र भी जब बोलती थी तो ऐसे ही बोलती थी कि हाँ आज चलो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सुनाई दे रहा है ना आपको, हाँ बोलो मेरे साथ साथ ओम भू भू। और जैसे मैं बोलती थी ना, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि वो किक करती थी अंदर से, मैंने ये माधुरी ताई को भी शेयर किया था कि मुझे किक करती थी अंदर से कि हाँ मैं बोल रही हूँ करके। यानी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरे बेटे से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे ये सेकेंड प्रेगनेंसी में मिला।